आज शिव महापुराण कथा का चौथा दिन है और ये हम आपको दिखा रहे हैं वह स्टेज जहां पर गद्दी लगाई गई है और पूरी शिव परिवार को बैठाया गया है और वहां पर आप देखेंगे 10 से 12 शिवलिंग छोटे छोटे लगाए गए हैं और यहां से हम आपको पूरा लाइव दिखा रहे हैं। और हम आपको बता दें आज चौथा दिन है और चौथे दिन में हम आपको बता दें कथा को तो स्थगित कर दिया गया है लेकिन ऑनलाइन कथा चलती रहेगी। ये हम आपको दिखा रहे हैं जो नज़ारा वहाँ पर हुआ था, जो भीषण बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ है, जितना भी टेंट वेंट गिर गया था और पानी टेंट के अंदर घुस गया था, वो सारा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पानी भर गया था पूरे टेंट के अंदर, जिसकी वजह से कथा को स्थगित कर दिया गया। देखिए एक टेंट से दूसरे टेंट के जाने के बीच में देखेंगे कम से कम 3 से 4 फुट पानी बीच के अंदर खड़ा है दोस्तों, आप देखेंगे पूरा। और यहीं पर ही लाइन वायरिंग की गई है इसलिए इस कथा को स्थगित करना पड़ गया, क्योंकि कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती थी लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लिया और कथा को ऑनलाइन स्थापित किया। यह आप देखेंगे कितनी ज़्यादा वायरिंग है यहाँ पर और पानी में वायरिंग बिछी हुई है पूरी पूरी, और आप देखेंगे इस पानी को निकाल पाना। और ये है मेन स्टेज जहाँ पर आप देखेंगे मेन स्टेज पे भी पानी पहुँच गया दोस्तों। ये देखिए आप पूरा मेन जो आगे का पंडाल है उस पंडाल में भी पानी आ गया था, देखिए आपको हम लाइव दिखा रहे हैं और हम आपको आगे ले जाके दिखाते हैं। और जो बिल्कुल लाइव और मेन स्टेज बनाई गई है वहाँ पर भी पानी पहुंचा ही नहीं पहुंचा, मैं आपको दिखा देता हूं पूरा। ये मेन स्टेज है सामने आप देख रहे हैं, वहां पर बैठ के प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा सुनाते हैं और पूरे भक्तजन इसका आनंद लेते हैं। आप देखेंगे ये पूरा आगे का जो पंडाल है वो खाली करवा दिया गया है और जो पीछे हैं अभी ये आप देखेंगे इसमें भी पानी की मात्रा थोड़ी थोड़ी है। और इसके बाद आगे और पीछे और बाहर तो आप देखेंगे बिखट पानी है जिसने भीषण नुकसान किया है। यह आप देख पा रहे हैं पूरा साइडों के जो मेनटेन जो वाटरप्रूफ जो टेंट लगाया गया उसके अलावा जितना भी टेंट लगाया गया था वो सारा तहस नहस कर दिया बारिश ने। आप देखेंगे साइड में हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था पूरा टेंट गिरा हुआ था और कृपया है बाबा की कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और हम आपको दिखा दें बाकी परेशानी बहुत सारी झेलनी पड़ी हमारे सभी भक्तजनों को, क्योंकि बारिश में कथा सुन पाना, ऊपर से बहुत भीषण बारिश थी और उसमें कथा 1 से 2 घंटे की उस दिन कथा की गई थी। और ये देखेंगे बिल्कुल जो बीच में रेलिंग बनाई गई उनमें 3-4 फुट पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में कथा हो पाना असंभव थी और इसीलिए कथा को ऑनलाइन कर दिया गया है। और मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लोग ऑनलाइन जाके कथा सुने और ये आप हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे। 5 दिन की कथा है, आज चौथा दिन है, कल कथा और होगी और फिर समाप्त हो जाएगी दोस्तों। और यह हम आपको लाइव पूरा दिखा रहे हैं, देखिए कितनी भीषण यहाँ पर नुकसान हुआ है बारिश की वजह से। ये आप देखिए पूरा क्या जबरदस्त नज़ारा, आप देखिए पूरा आगे से लेके पीछे पूरा पानी स्टेज तक पानी पहुँच गया है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कितना ज़्यादा। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई है मिट्टी की, जो जिससे पानी को रोका गया, कम से कम 3 से 3.5 फुट तक का पानी और एक पंडाल से दूसरे पंडाल में जाने के लिए पानी के अंदर से जाना पड़ता है, वो फट्टे लगाए गए हैं उसके ऊपर से जाना पड़ रहा है। देखिए कितने ज़्यादा हमारे भक्त आए हुए हैं जो काफ़ी दूर दूर से आए हैं, पूरी इंडिया से आए हैं, पूरे भारतवर्ष से, हमारे अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्यों से आए हैं, क्योंकि प्रदीप पंडित मिश्रा इंटरनेशनल जो कथावाचक हैं उनके भक्तजन की जो गणना है वो बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। आप देखिए जो भी हमारा जो खाने का भंडारे की है वो देखिए, फिर भी पानी में भरा होने के बावजूद भी ये लोग देखिए कितनी, ये देखिए हम आपको पूरी दिखा रहे हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये लोग अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से आए हुए सभी भक्तजन को खाना सही टाइम पे मिल पाए और उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए इनका संघर्ष जारी है। और आप देखेंगे पूरा टेंट पानी में डूबा हुआ है, चारों तरफ पानी ही पानी है, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपको दिखा, आप सभी देख पा रहे हो। ये देखिए कितनी भीषण बारिश हुई है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है, ये आप देखिए बिल्कुल ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा भीषण नुकसान है। देखिए आप ये देखेंगे कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर बारिश होने की वजह से, देखिए सभी लोग कैसे पानी में घूम रहे हैं, कई काफ़ी लोग गिर गए पानी में फिसल के, क्योंकि छोटे छोटे गड्ढे हो गए मिट्टी के पानी के अंदर, पूरा पीछे तक देखिए काफ़ी लंबा पूरे पंडाल में पानी ही पानी के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। जितने भी भक्तजन हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आप देखेंगे ये बाहर जाने का रास्ता आप देख रहे हो, जहाँ पर रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, गाड़ियाँ भी आधी आधी डूब रही हैं। हम आपको बता दें
रास्ता आप बता नहीं सकते कहाँ से कहाँ किस बीच में रास्ता है, पूरा रास्ता एकदम सिंपलर हो गया है, पता नहीं चल रहा, सिंपलर सा हो गया है। और आप देखेंगे हमारी जितनी माताएं बहनें जो अभी कथा सुनने के लिए आई हुई थी वो सभी पानी में किस तरीके से निकलती हुई आपको नज़र आ रही हैं, घुटनों तक पानी आ रहा है। बहुत सारे माताओं को बहनों को हमारी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहना पड़ा और हमें खेद है कि आगे की कथा को निषेध कर दिया गया है और कथा को ऑनलाइन कर दिया गया है। और अब ये देखिए टेम्पू भी आधा, आप देखेंगे अभी भी जो टेंट है, टेंट के अंदर जो दूर के यात्री जितने भी भक्तजन थे वो यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि वो आज एक दो दिन में जाएंगे, धीरे धीरे यहाँ से जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दूर से इन्होंने 5 दिन बाद की टिकट कराई है, कोई गाड़ी से आया है, कोई कैसे आया, तो धीरे धीरे यहाँ से सभी भक्त जाएंगे। और हम आपको बता दें या आपको पूरा पंडाल हम दिखा रहे हैं, जो अंदर से भी अंदर भी नुकसान हुआ है और पंडाल के बाहर भी हुआ है, बारिश अंदर भी घुस गई और बाहर भी पूरा। आप देखेंगे अभी काफ़ी राहत है लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये सब लोग अपना लाइव वीडियो के माध्यम से कथा सुन रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये सब हम आपको ये देखिए कितनी भीषण बारिश की वजह से कितनी ज़्यादा तादाद में पानी है, 3 फुट पानी, कम से कम 3 से 3.5 फुट, कहीं पे 4-4 फुट भी पानी था और कहीं पर 2.5 फुट पानी, कहीं पे 2 फीट, कहीं पे 1.5 फुट, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके अलग अलग पानी था, कहीं गड्ढे थे, कोई झील था वहाँ पे पानी ज़्यादा था, कहीं झील नहीं था पानी कम था। और मैं आपको बता दूँ पूरा ये टेंट पूरा आप देखो पूरा आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। हम उस दिन घूम रहे थे तो हमें पता है पूरे पानी में किस तरीके से घूमा जा रहा था, हम आपको आज लाइव दिखा रहे हैं पूरा। और ये हम अंदर से आपको दिखाते थे कि कैसे यार हमारे सारे भक्तजन गीले हो गए, उनके अपने कपड़े सभी ने सुखाए हैं, जो कि कपड़े चेंज करने पड़ गए सभी को। ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सभी लोग गीले हो चुके थे क्योंकि बारिश जो हुई थी वह गंगा जल जो हमारे भोलेनाथ जी ने बरसाया वो सब पे बरसाया और सभी उसमें एक तरीके से गंगा जल छिड़का हुआ और सबने उनका गंगा जल का आनंद उठाया और लुप्त उठाया। और ये सभी देखिए अब आप सभी जो हमारे भक्त हैं वो सभी रेस्ट करते हुए। और हम आपको आगे लेके चलते हैं पूरे पंडाल की, हम आपको पूरा वीडियो आपको और दिखाते हैं अभी क्या स्थिति है पंडाल की, वो हम आपको पूरा दिखाएंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये पंडाल का जो सेकेंड रो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और वो जो फ्रंट रो है वो अभी इन्होंने खाली करवा दिए हैं कि कहें कि वीआईपी एरिया है ये। और ये मेन देखिए कितना सुंदर और भव्य स्टेज लगाया गया था, आप देखेंगे काफ़ी भव्य स्टेज, स्टेज की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि हम इस स्टेज पे जो भोले बाबा का पूरा परिवार विराजमान है उसको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से वहाँ पर मत्था टेकने के लिए, अपनी मन्नतें मांगने के लिए लोग आते हैं। और ऐसे समय में कथा पूरा ना सुनना और भक्तों को नाराज़गी तो हुई है और थोड़ी परेशानी भी हुई है, बट कोई नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात यह है। और सभी भक्त सकुशल है, अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। और अब काफ़ी लोग जा चुके हैं क्योंकि बारिश में यहाँ रुक पाना थोड़ा लोगों को परेशानी का विचार बन रहा है कि। और बाकी मैं आपको बता दूं देखिए काफ़ी दूर से लोग आए हैं, तो आपको लगता है कि आप इतनी दूर से आए और आपको वो चीज़ आपको सुनने को ना मिले तो आप थोड़ा निराश तो होंगे ही, बट कोई नहीं, आप एक ये मानिए कि अब की बार बाबा आपको ऑनलाइन कथा सुनाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको एक अच्छा कुछ हो सकता है, बाबा ने आपकी परीक्षा ली हो, बट जैसे भी हो जो भी हो जो होता है अच्छा होता है। बट मैं आपको बता दूँ कि और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं आपको, फिर से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आगे का। तो बोले हर हर महादेव।